एवरीवन। तो भाई सुबह उठे, उठते अपना फ्रेश फ्रेश होके अपना बाकी काम, क्योंकि मम्मी चली गई थी खेत में। सेम क्योंकि रूटीन तो सेम होता है, आपको पता ही है गांव में। तो पानी आया हुआ था, मतलब 3-4 दिन के बाद आता है, जो हमारे यहाँ पे उसको बोलते हैं डिग्गी बोलते हैं। मीन्स कि एक पॉन्ड होता है, वहाँ पे पानी को इकट्ठा करके रखते हैं। जब भी नहर में पानी आता है तो उसको पॉन्ड को फिल करते हैं, देन गांव में सप्लाई करते हैं। तो 3-4 दिन के इंटरवल में आता पानी, तो आज पानी आया हुआ था। इसको नहला दिया मैंने, यहाँ पे मस्ती कर रही है भाई, और वहाँ पे टंकी फिल कर रहा हूँ। उसके बाद जाके पानी यहाँ से बंद कर दूंगा ताकि ऊपर वाले टंकी में पहुंच जाएगा। तो उसके बाद इसका प्लान ये है कि भाई जाऊंगा, आज ट्रिमिंग करा के आ रहा हूँ थोड़ा, मतलब कि बहुत दिन हो गए। मैं सोचा था एग्जाम वगैरह होते हैं तभी करवाओ इनको छोटे, लेकिन भाई एग्जाम तो ये करा नहीं रहे हैं, तो पहले जाना पड़ेगा। सब कुछ मतलब कि देखा जाए तो अगर शहरों में आप जाके सैलून में जाते हो बाबे शॉप पे, तो वो कटिंग कटिंग क्या कितना लगता है, कितने ले लेगा? 200 250 300 ऐसे चार्ज करते हैं, 150। सो गांव में आपको क्या है कि बियर्ड अगर ट्रिम करवा रहे हो और साथ में अपने हेयर कटिंग के, तो टोटल 80 रुपीज़ है। 50 कटिंग के कर रखे हैं पहले, जब हम छोटे छोटे होते थे ना, कमाल की बात ये कि हमने 5-5 रुपये में भी बाल कटाए हुए। सोच सकते हो टाइम यार, ऐसा भी टाइम था कि हमने 5 रुपये में बाल कटाए, 3 रुपये में गंजा करते थे। सो वो भी कोई टाइम था, किससे कभी बाल नहीं कटाएंगे। सो आके मेरे को वीडियो एडिटिंग करनी है, क्योंकि आज की वीडियो मतलब ये तो कल देख रहे हो, लेकिन जो एक दिन पहले आनी थी, तो वो वीडियो मेरे को एडिट करनी है। और एक बार जाके करा के आता हूँ ट्रिम वगैरह, उसके बाद वीडियो एडिट करता हूँ अपनी, और उसको अपलोड लगा के पढ़ने बैठता हूँ, क्योंकि मेरा एक दिन पहले जा चुका है। सो चलो चलते हैं, मैं जाके अपना करवा के आता हूँ काम यार। तो ये यहाँ पे है बस शॉप, हाँ। तो भाई कराया है साहब, और ट्रिम कराने के बाद थोड़ा ये रिलैक्स तो फील होता है, मतलब कि छोटी छोटी हो जाती है, तो ये लगता है कि भाई हाँ फेस से कुछ बोझ है ना वो हल्का हो गया है। तो अभी नहा धो के वीडियो एडिटिंग करने बैठता हूँ, एंड कंप्लीट करके उसको अपलोड करता हूँ यार, ताकि आप सभी देख सकूँ। दिन का क्या प्लान है, भाई दिन में पढ़ने का प्लान है, और उसको ट्रैक करके देखूंगा अगर यहाँ पे, क्योंकि बाइक नहीं है, तो सोच रहा हूँ आज पापा अगर आए तो बाइक मिल जाएगी। मैं भी मंडे को मैं कलेक्ट करने जा सकता हूँ फिर, अगर आसपास के इलाके में हुआ, अगर तब तक घर आ गया तो अच्छी बात है, वरना मेरे को रोहतक भी जाना है एक बार। वो किस लिए जाना है वो भी मैं बताता हूँ जल्दी ही, बट अभी का ऐसा ही है भाई, ना धोते हैं, वीडियो एडिट करते हैं, पढ़ने बैठते हैं, क्योंकि 2-3 दिन हो गए मेरे को बिना पढ़े। इसमें तो अभी स्केल के क्वेश्चन चल रहे थे, क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, मतलब कि लेवल के हैं कुछ, मतलब लग रहा टाइम थोड़ा बहुत बीच में जो मार्केटर के क्वेश्चंस दे रखे ना, डायरेक्ट मार्केटर के चार्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं स्केल के, वो थोड़े सोचने पड़ रहे हैं, बट क्वेश्चन अच्छे हैं। अगर आप किथविल एम से करोगे तो नेविगेशन ऑलमोस्ट आपकी सब कवर कर देगा ये, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं। और अच्छा है भाई कि विलियम 1000 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे जनरल नेविगेशन में 1000 दे रखे हैं, आपके रेडियो नेविगेशन में 1000 दे रखे हैं, इंस्ट्रूमेंट में 1000 क्वेश्चन दे रखे हैं। और अगर बुक परचेज करनी है किथ विलियम की न्यू, तो जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके उस पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। गूगल वो आपको अमेजोन पर लेके जाएगा, अमेजोन एफिलिएट लिंक जो है। एंड अभी पापा आए हुए हैं, मम्मी ने कपड़े धोए हैं, तो कपड़े जाके एक बार ऊपर सुखा देता हूँ, मम्मी खाना बना रही है, उसके बाद खाना खा लेंगे। और आज तो पापा घेवर लेके आए हुए हैं, वो खाएंगे। एक बाल्टी पहले सुखा गया था यहाँ पे देख, और इस साइड जगह बची होगी, ये यहाँ पे सुखा देते हैं। मम्मी इस साइड खाना बना रही है, और हाय हाय घेवर, ये स्पेशली मेरी फरमाइश पे आया है ये वाला, तो क्योंकि जो क्रीम का है, क्रीम का मेरे को बहुत मस्त लगता है भाई ये। मस्त है भाई, मस्त है।
के मैंने मंगाया है एक लाइक ला खा दे यहां के चीज है खा लो और ना मैं खा लूं बस एक लाइक ला तो ये तो मेरा है ना आपका दूसरा डिब्बा ही होगा अच्छा अलग अलग डिब्बा चाहिए देख लो ऐसी फरमाइश है तेरी संतोष देवी ये आपके लिए नहीं है संतोष देवी खा ले मम्मी खा ले इसको अंदर बांध दिया भाई बाहर हो रखा था बहुत सारे मच्छर हो रखे थे बाहर तो फैन ऑन कर दिया मरानी का और गद्दा लगा के अंदर बांध दिया आराम से बैठ जाएगी थोड़ी देर में मैं चलता हूँ लाइट बंद कर देता हूँ यहाँ से खाना वगैरह खाना भाई चल के इस साइड हम ले आए हैं अपने डिनर डेजर्ट में क्या डेजर्ट में आज ये है ये खाना अपना चलो मैं खा लेता हूँ बाद में बात करता हूँ आपसे खाना पीना तो अपना हो गया है और टाइम अभी हो रखा है 9:45 और जो मैंने बाकी के क्वेश्चन थे जो कि हम टॉपिक कर रहे थे अपना स्केल का वो भी कंप्लीट कर लिए हैं मतलब कि अराउंड 9-10 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं स्केल में जो कि सारे हर टाइप के क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं 100 क्वेश्चन थे जो कि हो गए हैं अगला जो मेरा टॉपिक बचा हुआ है वो बच गया मेरा अभी टाइमिंग का बच गया मतलब कि आपका LMT हो गया UTC हो गया IST हो गया तो ये टाइमिंग का जितना भी है ना तो टाइमिंग का टॉपिक बचा हुआ है जो कि मैं कल होपफुली कर लूंगा और ये सारे हो जाएंगे उसके बाद मॉक टेस्ट शुरू करूंगा अपना या तो पायलट एटेन से करूंगा या फिर पायलट इंडियन पायलट सेंटर से करूंगा तो देखता हूँ जिससे भी करूंगा मैं बता दूंगा एंड अगेन गाइज इफ यू वांट टू डाउनलोड द बुक्स लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन जो कि IC जोशी और RK बाली जो भी बुक आपको चाहिए जो मैं यूज कर रहा हूँ उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा यू कैन गो एंड यू कैन चेक दैट आउट सो आज की वीडियो को इतना ही रखता हूँ दिन अच्छा रहा काफी जो कि अपना गोल लेके चलता हूँ मतलब कि आज मैं एक टारगेट्स होते हैं दिन के कि ये टारगेट है ये कंप्लीट करना है तो वही छोटे छोटे टारगेट बना के चलो लाइफ में गए उसको कंप्लीट कर लोगे छोटे छोटे करके ही बड़े पहुंचोगे ठीक है सो मेरा टारगेट था कि भाई आज मेरे को ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं सो मैंने चाहे कुछ हो जाओ देखो अपना टारगेट बोलो मत मतलब कि चाहे तुम दिन में कुछ भी करो खेलो रात को खेलो कुछ भी करो लेकिन वो क्वेश्चन 12 बजे से पहले रात के कंप्लीट होने चाहिए या फिर उसको कंप्लीट करके सोना मेरा ये मानना है तो मैं अपना ये स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ अपने पढ़ते टाइम कि कुछ छोटे छोटे टारगेट सेट कर लेता हूँ कि ये टारगेट मेरे को आज कंप्लीट करना है उसके बाद ही अगले दिन का टारगेट सेट करता हूँ ओके अगले दिन ये कंप्लीट करना है सो वो मेरे को पढ़ाई में बहुत हेल्प करते हैं सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो यूज दिस मैथड दैट टोटली डिपेंड ऑन यू गाइस बट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है सेम यही चीज़ मैं साउथ अफ्रीका में भी स्टडी करते टाइम ये यूज़ करता था अपने एग्जाम निकाले मैंने ऐसे ही और जितना भी हो सके भाई बुक्स जरूर पढ़ना आपको एक नॉलेज मिलती है और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं बात यही है तो हमेशा बुक्स पढ़ता हूँ पहले थ्योरी पार्ट कंप्लीट करता हूँ पूरा थ्योरी पढ़ के उसके बाद क्वेश्चन उठाता हूँ इजी हो जाते हैं सो थैंक यू वेरी मच अगेन देखने के लिए वीडियो और इतना सपोर्ट देने के लिए मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जितने भी वीडियोज आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे आप जाके वीडियो चेक कर लो और वीडियो को लाइक कर देना अगर चाहो तो शेयर भी कर सकते हो दैट टोटली डिपेंड ऑन यू अपने घर वालों का ध्यान रखो अपना ध्यान रखो और बीमार मत हो जाना भाई थोड़ा बच के रहो सेहत का ध्यान रखो ठीक है बाय बाय टेक केयर खुदा हाफिज़ बनवा कर